कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको ये टू कलर की कैप बनानी सिखाऊंगी। फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। ये मैंने इसमें टू कलर लगाए हैं, आप इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी लुक है फ्रेंड्स। कहीं से भी कहाँ से ज्वाइंट हमने लगाया है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है चारों तरफ। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये बनके कंप्लीट होती है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको सीखनी है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, तब ये डिज़ाइन आपकी समझ में आएगा। मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप ये एंड तक बताई है कि मैंने इसको कैसे बनाया है। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी नई नई डिज़ाइन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लिए फ्रेंड्स मैंने 10 नंबर के नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है और ये मेरे पास पतली ऊन है। ये देखिए टू कलर से मैं आपको बताऊंगी, ये पतली है मेरे पास ऊन, इसलिए मैंने इसमें 10 नंबर के नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। ये देखिए और यहाँ तक फ्रेंड्स इतना बड़ा ये मैंने, जिससे हम फंदे डाल लेंगे, यहाँ तक मैंने ये इसको डबल कर लिया है। यहाँ पे हम एक इसमें छोटी सी नोट लगा लेंगे। ये देखिए जैसे फंदे आप डालते हो वैसे ही आप इसमें फंदे डालिए, बिगनर्स के लिए फ्रेंड्स मैं ये बता रही हूँ। ये देखिए एक हमारा नोट से हो गया, ऐसे हम इसमें फंदे डाल देंगे। ये देखिए दो तीन चार पाँच, ध्यान से देखिए छः सात आठ नौ और ये 10, 10 फंदे मैंने डाल लिए। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इसमें फंदे डालूंगी, मैं इसमें 60 फंदे डालूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 60 नहीं, मैंने इसमें 70 फंदे डाले हैं, क्योंकि पतली ऊन है इसलिए मैंने इसमें 10 फंदे और डाल लिए। अगर आपके पास मोटी है तो आप 60 फंदे भी डाल लीजिए, और ज़्यादा मोटी है तो आप 50 फंदे से भी आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। ये देखिए फर्स्ट रो हम ऐसे उतारेंगे उल्टा उल्टा बनाते हुए, पूरी रो हम ऐसे ही उतारेंगे। मैं इसे कंप्लीट कर ली, देखिए उल्टी उल्टी बना के इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। किनारे वाले फंदे को मैं सीधा बना दूंगी। ये देखिए इस साइड से भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे और ये ऐसे ही पूरी रो में उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। ये देखिए ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाना है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए पूरी रो मैंने उतार ली है, किनारे वाले को हम सीधा बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये जब हम दो रो उतारते हैं तो मैं इस साइड से आपको सीधा करके दिखाऊंगी, ये हमारी ये एक लाइन बन जाती है। तो ऐसी मैं इसमें तीन लाइन और बनाऊंगी जो हमारी कैप का नीचे का बॉर्डर बनेगा। अगर आपको चौड़ा पसंद है तो आप ये लाइन ज़्यादा भी डाल दीजिए। ऐसे ही मैं दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए ये छोटा सा स्मार्ट सा बॉर्डर बना लेती हूँ। ये देखिए मैं बिल्कुल एंड में आ गई हूँ और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने ये ऑफ वाइट के पांच फंदे बना दिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमारा रेड था तो इस साइड हमारा ये ऑफ वाइट है, ताकि जब हम इस पूरी कैप को बना के और इसकी सिलाई करेंगे तो हमारा बीच में ज्वाइंट नज़र ही ना आए। देखिए राइट साइड से भी हम इसको ऐसे ही
बनाएंगे, जो जैसा है वैसे ही बनाएंगे। थ्रेड को कैसे लेना है वो आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए, इसको पीछे कर देंगे, पीछे से रेड ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे, और ये पांच फंदे हम रेड से बना देंगे। जो जैसा कलर होगा हम वैसा ही बनाएंगे। अभी इसको पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरा आगे लेके आएंगे। ये पूरी रो में ऐसे ही बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए, इसको पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरे कलर का आगे लेके आएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए, पूरी रो मैंने उतार ली है, जो जिस कलर का था उसी कलर से बना लिया है। ये देखिए, अब आ गए हम बैक साइड में। इस साइड से फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, वही ऐसे ही बनाएंगे। पांच फंदे में रेड से बनाऊंगे। इस वाले थ्रेड को आप ऐसे भी ले सकते हो ताकि हमारा बीच में गैप ना बने। और अब हम इसको बना देंगे तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। एक, दो, और इसको आप ऐसे साथ रखिएगा। ये देखिए, अब मैं पांच फंदे रेड के बना दूंगी, साथ साथ दूसरा थ्रेड भी आप ऐसे रखिए। जो जिस कलर का होगा उसी कलर से हमने इसको बनाना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो इस रो को मैं ऐसे ही बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, किनारे का आप ऐसे बनाइएगा तो ऐसे हमारा सफाई के साथ ये बनके कंप्लीट होगा। तो देखिए, डिजाइन हमारा डल गया है। इसी तरह से आपने ऊपर तक बनाना है। वाइट पे वाइट बना, ऑफ वाइट है मेरा, ऑफ वाइट पे मैं ऑफ वाइट बनाऊंगी ये पांच फंदे, और रेड पे मैं रेड से बनाऊंगी। और तो मैं इसकी फ्रेंड्स लंबाई ऊपर तक बना देती हूँ, जितनी मुझे लंबाई लेनी है। आपको जितनी भी अपने बच्चे का आप साइज़ ले लीजिए, वो आप उसी हिसाब से इसको ऊपर ऐसे ही बनाते जाइए। जो जो कलर आपने लगाया है उसी कलर से आपने ये बनाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊँगी। कंप्लीट कर लिया है। आप अपने बच्चे के सिर का आप साइज ले लीजिए, उसी हिसाब से आप इसकी ये वाली आप इसकी चौड़ाई लंबाई सॉरी लंबाई रख लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मैं आपको एक बार मेजरमेंट करके बता दूं। ये नीचे से थोड़ा सा इकट्ठा ऐसे करोगे तो 12 इंच मेरी ये इसकी ये बनी है लंबाई, और ये चौड़ाई है इसकी 5 इंच। ये देखिए, अगर आपको और बड़ी बनानी है तो आप इसको और बड़ा भी बना सकते हो, वो आप अपने बच्चे के सिर का साइज ले लीजिए। अब देखिए, हम इनको घटाएंगे, ये फंदे घटाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। दो फंदे का एक करेंगे, एक ये बना लेंगे, फिर से ये दो का एक कर देंगे। थ्रेड को पीछे करेंगे, पीछे से दूसरा क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। फिर से देखिए, इसमें बना लिया और फिर से दो का एक कर दिया। इसको पीछे कर देंगे, दूसरा थ्रेड आगे लेके आएंगे। ये पूरी रो में ऐसे ही करूँगी, दो घटा दिए, एक बना लिया, फिर दो का एक कर दिया। इसको पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरा आगे लेके आएंगे। जो जिस कलर का है उसी कलर से हम ये फंदे घटा देंगे, एक बना लेंगे, फिर दो का एक कर देंगे। जो मेरे पांच फंदे थे, ये मेरे तीन तीन फंदे बच जाएंगे।
पूरी रो आपने ऐसे ही घटानी है। दो घटा दिया, दो का एक कर दिया, फिर एक बना लिया, फिर दो का एक कर दिया, पीछे करेंगे, पीछे से दूसरा लेके आएंगे। ये देखिए पूरी रो में ऐसे ही बना के कंप्लीट करूँगी, इसको पीछे कर दूँगी, पीछे से दूसरा आगे लेके आऊँगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए तीन तीन फंदे हमारे रह जाएंगे, दो दो फंदे हमारे कट जाएंगे इसमें पूरी रो में। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, लास्ट के भी दो का एक कर दिया है। ये देखिए पूरी रो में मेरे तीन तीन फंदे कलर के बच गए हैं। इस साइड से हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, जो जैसा है वैसा ही बना लेंगे। ये देखिए पूरी रो में ऐसे ही बना के कंप्लीट करूंगी, किनारे वाले को सीधा बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सीधा बनाने से ऐसे चैन सी बनती जाएगी, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत ही सफाई के साथ ये इसकी सिलाई होगी। अब देखिए तीन तीन फंदे बचे हुए हैं, अब तीन का भी हम एक कर देंगे। ध्यान से देखिए इसको पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरा थ्रेड आगे लेके आएंगे। एक एक फंदा हमारा एक कलर का बच जाएगा। ये देखिए सारे फंदे जितने भी हैं आपके ऐसे ही आपने घटाने हैं। दूसरा थ्रेड आगे लेके आएंगे, तीन का एक कर देंगे। ये देखिए तो ऐसे ही फंदे मैं सारे घटा लेती हूँ। सारे फंदे हमारे घट गए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस थ्रेड को हम काट देंगे। सुई में डाल लूंगी, दोनों ही थ्रेड मैंने सुई में डाल लिए हैं। आप देखिए एक एक करके इस सुई में हम ऐसे ही उतार लेंगे। कोई भी फ्रेंड्स आपका ये निकलना नहीं चाहिए, सारे ही फंदे हम सुई में ले लेंगे। ये देखिए ऐसे हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पक्का कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी शेप आई है। अब इसी थ्रेड से हम इसकी सिलाई कर देंगे, इसको ऐसे उल्टा पकड़ेंगे और ये जो हमारी किनारी हैं ये देखिए ये चेन, इसका एक इस साइड से उठाएंगे और एक इस साइड से। सिलाई कर देंगे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल इसके ऐसे किनारे मिला के मैं ऊपर से नीचे तक इसकी सिलाई कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल एंड में मैंने इसको
पक्का कर दिया है। थ्रेड को हम थोड़ा सा अंदर ले जाके इसको कट करेंगे ताकि ये निकले ना। अब देखिए इसको हम सीधे कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर इसकी शेप आई है। आप इसको, और ये देखिए जब हमारे दोनों साइड ये अलग अलग लाइन होती हैं तो हमारे ज्वाइंट का बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए तो बिल्कुल ये एक जैसी बन के कम्प्लीट होगी। और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रेचेबल है, पहनने में बहुत ही आसानी से पहनी जाएगी। और उस पर अब हम ऊपर एक पोम पोम लगाएंगे तो वो देखिए कैसे बनाएंगे। फोग लेंगे और फोग में हम एक इतना बड़ा, ये मैंने डबल्स कलर का ही ले लिया क्योंकि मेरे पास पतली ऊन है, ऐसे हमें इसमें धागा एक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए जितना भी आपको मोटा बनाना है उतना ही आप ऐसे इसमें लपेटते जाइए। फ्रेंड्स में जिसको बनाना आता है वो आसानी से बना लेगा। ये देखिए जितना भी आपको मोटा बनाना है, सिंगल कलर से बनाना है तो सिंगल से बनाइए, डबल से बनाना है तो डबल से बनाइए। ये देखिए ये बच्चों की कैप वगैरह में बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। ये देखिए इतना मोटा मैंने इसको बना लिया, थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ये है और एक इस साइड से, इसकी हम दोनों के बीच में बहुत ही टाइट एक नोट लगा देंगे। ध्यान से देखिए बिल्कुल बीच सेंटर में। ऐसे आप इसकी टाइट नोट लगा दीजिए। एक और लगा देंगे इसको पक्का करने के लिए। नोट लग गई, इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। और अब आप ये इसके काट दीजिए ऐसे आराम आराम से। और आप ये नीचे तक, ये देखिए ऐसे ही हम ये काट लेंगे। बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी। काट देती हूँ, सारा मैंने इसका कट कर लिया है। फिर बाद में आप ऐसे इसको काट दीजिए। कोई बड़ा छोटा आपको लगे थ्रेड तो आप उसको एक जैसा ऐसे चारों तरफ से ऐसे कर लीजिए। बहुत ही सुंदर देखिए पोम पोम बन के तैयार हो गया है। बच्चों की कैप वगैरह पे चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए ऐसे कर दीजिए। ये देखिए अगर फिर भी आपको कोई लगे जैसे तो आप ऐसे उसकी, यही देखिए ऐसे उसको काट दीजिए। और अब हम इसको ऐसे यहाँ पे बीच में सुई से लगा देंगे। ये देखिए मेरे पास सुई है तो इससे मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स आपको ये कैप कैसी लगी? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।